हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे एक्सपेरिमेंट नंबर 2 जो आप लोगों के हॉलिडे होमवर्क में मेंशन है। सो जो आपका एक्सपेरिमेंट है वो बेस्ड है जिस टॉपिक पे, वो है स्टडी ऑफ प्लांट पॉपुलेशन। और इनसे रिलेटेड दो एक्सपेरिमेंट्स आपको दिए गए हैं। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है आपका डेंसिटी, सेकंड एक्सपेरिमेंट है आपका फ्रिक्वेंसी। और ये प्लांट्स की पॉपुलेशन हमें यहाँ पर इवेल्युएट करनी है डेंसिटी और फ्रिक्वेंसी के बेस पे। और जो मेथड हम यहाँ पर फॉलो करने वाले हैं वो मेथड है हमारा क्वाड्रेट मेथड। सो इसमें दो एक्सपेरिमेंट्स हैं जो आपको दिए गए हैं। सो कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही थी इस एक्सपेरिमेंट्स में, तो आपको ये कैसे राइट करना है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों का ये एक्सपेरिमेंट होगा एक्सपेरिमेंट नंबर 2, ओके। एंड देन यहाँ पर आपने मेंशन किया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में आप मेंशन करेंगे टू स्टडी प्लांट कम्युनिटी पॉपुलेशन फ्रिक्वेंसी बाय क्वाड्रेट मेथड। अब देखिए 2 और 3 में चेंज हो सकता है कि मे बी आपके यहाँ 2 फ्रिक्वेंसी का दिया गया हो या फिर 2 आपके यहाँ दिया गया हो डेंसिटी मेथड पर बेस। तो जो भी नंबरिंग की प्रॉब्लम होगी वो आप देख लीजिएगा, नंबर ही चेंज करने हैं। इट मींस कि आपका एक्सपेरिमेंट नंबर अगर फ्रिक्वेंसी वाला हुआ तो फिर वो एक्सपेरिमेंट नंबर 3 हो जाएगा, उससे पहले आप कर लीजिएगा डेंसिटी वाला, क्लियर। तो चलिए पहले तो फ्रिक्वेंसी वाले की ही बात हम लोग करते हैं। सो यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट मेंशन किया अपनी फाइल में टू स्टडी प्लांट कम्युनिटी पॉपुलेशन फ्रिक्वेंसी बाई क्वाड्रेट मेथड। देन रिक्वायरमेंट्स आपको जिन चीज़ों की पढ़ने वाली है वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। क्वाड्रेट ऑफ रिक्वायर्ड साइज पेपर पेंसिल हर्बेरियम शीट एंड सेलो टेप, ओके, ये आपने रिक्वायरमेंट मेंशन की। देन उसके बाद जो प्रोसीजर है हम पूरा प्रोसीजर यहाँ पर राइट करेंगे। एंड देन ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है क्वाड्रेट का, ये डायग्राम आप व्हाइट साइड पर, इट मींस जो आपकी फाइल में लेफ्ट साइड पर पेज है उसमें आप इसे फॉर्म कर देंगे। देन ऑब्जर्वेशन टेबल की बात आती है, आप लोगों का ये क्वेश्चन था ऑब्जर्वेशन टेबल। सो मैं ऑब्जर्वेशन टेबल आपको खुद प्रोवाइड करूंगा कि आपको इस ऑब्जर्वेशन टेबल में क्या चीजें राइट करनी है, लिखना कैसे है इवन। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। और वैसे भी देखिए ये ऑब्जर्वेशन टेबल जो आपकी बनेगी वो नेक्स्ट पेज पे, इट मींस के एक्सपेरिमेंट नंबर जो आपका सेकंड है उसमें फर्स्ट वाले पेज पे तो आपने डायग्राम मेक कर दिया, सेकंड वाला जो आपका पेज होगा, ठीक है, उस पेज में आपको ये ऑब्जर्वेशन टेबल फॉर्म करनी होगी। इट मींस जो व्हाइट वाला ही पेज है लेफ्ट साइड में, है ना, वहां पर आप इसे फॉर्म करेंगे। तो इसलिए वो आप इस पेज छोड़ना भी नहीं है, आपको व्हाइट पेज पर वो मेंशन करना होगा। तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा वो ऑब्जर्वेशन टेबल आप फॉर्म करेंगे। देन उसके बाद आपने रिजल्ट मेंशन किया, फॉर्मूला लिखा, एंड देन उसके बाद लास्ट में आपका आ जाएगा कंक्लूजन, ठीक है। तो एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहले तो ये रहा आपका फर्स्ट पेज, क्लियरली आई थिंक विजिबल होगा आपको, ठीक है। सो ये है आपका फर्स्ट पेज, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड देन ये है आपका सेकंड पेज, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और देन मैं अब आपको बता रहा हूँ कि जो आपका थर्ड एक्सपेरिमेंट होगा और वो आप फिर से नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर 3। एंड देन यहाँ पर आप मेंशन करेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में आप लिखेंगे 2 डिटरमाइन द प्लांट कम्युनिटी पॉपुलेशन डेंसिटी बाई क्वाड्रेट मैथड, क्लियर। देन उसके बाद आपने लिखा रिक्वायरमेंट। अब रिक्वायरमेंट जो भी आपके एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में थी, अब एक्सपेरिमेंट नंबर 1 का मतलब जो ये फ्रिक्वेंसी वाली रिक्वायरमेंट यहाँ पर मेंशन है वो आप राइट करोगे यहाँ पर। अब आप वहां पे ऐसे मत लिख देना कि एज इन एक्सपेरिमेंट नंबर 1, ठीक है, एज इन एक्सपेरिमेंट नंबर 2, ये नहीं करना है आपको। आप यहाँ पर जो भी आपका अभी हम लोगों ने फ्रिक्वेंसी वाले मेथड्स में जो भी रिक्वायरमेंट्स मेंशन की थी वही रिक्वायरमेंट्स आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। देन सेम प्रोसीजर भी आप लिखेंगे। एंड देन ऑब्जर्वेशन में अब जो क्वाड्रेट वाला डायग्राम था वो आपने मेक नहीं किया,
आपको ऑब्जर्वेशन टेबल फॉर्म करनी होगी, तो ऑब्जर्वेशन टेबल मैं इसके भी आपको सेंड करूंगा, प्रोवाइड करूंगा, तो आप लोग वो ऑब्जर्वेशन टेबल वहां मेक करेंगे एंड देन रिजल्ट लिखेंगे, कंक्लूजन लिखेंगे, प्रिकॉशंस लिखेंगे एंड देन एंड, क्लियर? तो जो रिटर्न वर्क है वो कर लीजिए आप, और ऑब्जर्वेशन टेबल की बात रही तो ऑब्जर्वेशन टेबल मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उसके लिए वेट करिए आप। एंड होपफुली कि ये दो एक्सपेरिमेंट भी आपको क्लियर हो गए होंगे, आपको कैसे राइट करना है वो आपको समझ में आ गया होगा, और आप अपनी प्रैक्टिकल फाइल पे इसे मेक करिए एंड देन मेक हो जाएगा, देन मैं नेक्स्ट डे कोशिश करता हूँ कि मैं आपको ऑब्जर्वेशन टेबल भी प्रोवाइड कर दूँ। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।